हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर 18 सितंबर 2019 की। चलिए शुरू करते हैं। सो आज का अपना पहला न्यूज है, एमनेस्टी हाईएस्ट ह्यूमन राइट्स अवार्ड किसे दिया गया है। इसका आंसर है ग्रेटा थुनबर्ग को। ठीक है, एक छोटा सा निमोनिक्स पता दे रहा हूं भाई। हाईएस्ट ह्यूमन राइट है ना, तो जो ग्रेट होगा उसे ही तो हाईएस्ट ह्यूमन राइट अवार्ड मिलेगा, है ना। सो हाईएस्ट ह्यूमन राइट हो गया ग्रेट, ग्रेट्स हो गया आपका ग्रेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट जिन्होंने अभी अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया है, सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर है टाकेहिको नकाओ। नेक्स्ट, इंडिया ने एक टारगेट लिया है अपने जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको 26 बिलियन डॉलर बनाने के लिए। ठीक है, सो ये कब तक ये टारगेट इनको कंप्लीट करना है। सो इनका टारगेट है 2025 तक। ठीक है, अभी एक छोटा सा न्यूमेरिक्स बता रहा हूं, 26 के पहले क्या आएगा 25, है ना। सो 25 के बाद ये लोग 26 बिलियन डॉलर का टारगेट अचीव करने वाले हैं। नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने हाल ही में जितने सारे एनआरआईज हैं अगर वो आईडीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक लॉक इन पीरियड हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप एक एनआरआई हो और अगर आप आईडीएफ में अगर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आईडीएफ का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। ठीक है, सो अगर आप आईडीएफ में अगर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ सालों के लिए आप वो पैसा नहीं निकाल पाओगे। सो उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं लॉक इन पीरियड। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये लॉक इन पीरियड को हटा दिया है। सो पहले लॉक इन पीरियड कितने साल का था, सो ये था 3 साल का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कौन से पेमेंट बैंक ने भरोसा सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। इसका आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। नाउ एक न्यूमोनिक्स बता रहा हूं, एयरटेल पे आप सब लोगों को भरोसा है ना, क्योंकि उसका टावर काफी अच्छा है। नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट हो रहा है पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, और ये तीनों कंट्री का नेवल एक्सरसाइज का कॉमन नेम क्या है। इसका आंसर है सिटमैक्स। ना एस से हो गया सिंगापुर, आई से हो गया इंडिया, टी से हो गया थाईलैंड, एम से हो गया मैरीटाइम और ईएक्स से हो गया एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि जो सिटमैक्स है ये कहां पे कंडक्ट की जा रही है। इसका आंसर हो गया आपका पोर्ट ब्लेयर। अपना नेक्स्ट न्यूज है, कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर ने अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है क्लॉथ से या फिर कपड़ों से। इसका आंसर है आईआईटी खड़गपुर। सो आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स ने कपड़ों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिया है। अपना नेक्स्ट न्यूज है, इसरो किसके साथ एक एमओयू साइन कर रहा है फॉर गगनयान मिशन। ठीक है, इसका आंसर है डीआरडीओ के साथ। अपना नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने सक्सेसफुली एक इंडिजिनियस एयर टू एयर मिसाइल का टेस्ट किया है। उसका नाम क्या है उस इंडिजिनियस एयर टू एयर मिसाइल का, उसका नाम है अस्त्र। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कुकी रोबर्ट्स जिनका भी निधन हो गया है, वह 75 ईयर्स की महिला थी। वो कौन से फील्ड से बिलोंग करती थी। वो थी एक फेम्ड जर्नलिस्ट थी और एक पॉलिटिकल कमेंटेटर थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हैदराबाद कर्नाटका रीजन का नया नाम है कल्याण कर्नाटका। ठीक है, और ये जो रीजन है ये 6 नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से बना है कर्नाटका का। ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम देख लेते हैं, बिदार, कालाबुरागी, कोप्पाल, बल्लारी, यादगीर और रायचूर। ठीक है दोस्तों, सो क्वेश्चन आपका है, हैदराबाद कर्नाटका रीजन का नया नाम है कल्याण कर्नाटका और ये टोटल 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से बना है। नेक्स्ट, फिफ्थ इंटरनेशनल रामायण फेस्टिवल कहां पे होने वाला है। इसका आंसर है न्यू दिल्ली। नाउ ये जो रामायण फेस्टिवल है यहाँ पे 17 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ये सारी जो कंट्री है अपने अपने वर्षन की रामायण सुनाने वाले हैं। ठीक है, अपने अपने वर्षन का रामायण सुनाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, श्रीलंका ने साउथ एशिया की सबसे लंबी टावर को इनॉग्रेट किया है या फिर टावर खड़ी कर दी है, उस टावर का नाम क्या है। उसका नाम है लोटस टावर। यह टावर है कोलंबो में और इसकी हाइट है 350 मीटर्स। नेक्स्ट, डीआरडीओ की एक अनमैन्ड
एरियल व्हीकल हाल ही में क्रैश हो गई है कर्नाटका के चित्रदुर्ग जगह पे, ठीक है। उस वो जो अनमेंड एरियल व्हीकल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रुस्तम टू, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कौन सी कंट्री ने हाल ही में एक 12th सेंचुरी बुद्ध स्टैच्यू जो कि चोरी हो गई थी, जो कि खो गई थी, उसको इंडिया को रिटर्न किया है 57 इयर्स के बाद? इजी आंसर है इसका, आप इजीली गेस कर पाओगे। इसका आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिशर्स, है ना। नेक्स्ट। अभी हैवेल्स इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? इसका आंसर है विकी कौशल, उरी पिक्चर के जो हीरो हैं, ठीक है। सो हैवेल्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? इसका आंसर है विकी कौशल। नेक्स्ट। न्यू दिल्ली में एक ज्वेलरी शॉप है, एक ज्वेलरी ब्रांड है जिसका नाम है हजूरीलाल लेगेसी, ठीक है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका आंसर है तारा सुतारिया। आपने वो पिक्चर देखा होगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, दो लीड एक्ट्रेस हैं, उनमें से एक का नाम है तारा सुतारिया, ये वही है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कौन सी कंट्री के डायस्पोरा ना, डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी, ठीक है। सो कौन सी कंट्री के प्रवासी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं? इजी आंसर है, आंसर है इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट। सेकेंड फ्लावर फेस्टिवल कहां पे होने वाला है? इसका आंसर है ऊटी, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ऊटी। नेक्स्ट। अच्छा, विनेश पोगाट ने हाल ही में एक अमेरिकन रेसलर को हराया है नूर सुल्तान, जो कि कजाकिस्तान का कैपिटल है, वहां पे एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, ठीक है। उस अमेरिकन रेसलर को हरा के उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स जो कि 2020 में होने वाली है उसमें अपनी जगह बना ली है। उस अमेरिकन रेसलर का नाम क्या था? उनका नाम था सैरा हिल्डेब्रांट, ठीक है, सैरा हिल्डेब्रांट। नाउ क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक्स कब होने वाली है? सो इट विल बी ऑन 2020, या फिर 2020 की ओलंपिक्स कहां पे होने वाली है? इट विल बी इन टोक्यो, ठीक है दोस्तों। नाउ कजाकिस्तान का कैपिटल है नूर सुल्तान, ठीक है। नेक्स्ट। नाउ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद भारत के पहले प्रेसिडेंट बने हैं जिन्होंने स्लोवेनिया को विजिट किया है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि स्लोवेनिया का कैपिटल, करेंसी और उनके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सो स्लोवेनिया का कैपिटल का नाम है लुबियाना, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है बोरुत पाहोर, ठीक है। नेक्स्ट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2017 का विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये 2017 के लिए ये वाला पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये अवार्ड दिया गया है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन ये है कितने अवार्डीज थे या फिर कितने अवार्ड दिया गया है विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए? सो इसका आंसर है 28 अवार्ड दिया गया है, ठीक है। दिया कौन है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, जिनका नाम है संतोष कुमार गैंगवार, ठीक है। सो ये है अपने लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर। नेक्स्ट। यूएस का ऐसा दूसरा स्टेट कौन है जिसने ई सिगरेट को बैन कर दिया है, ठीक है। सो पहला स्टेट है मिशिगन, दूसरा स्टेट बना है न्यूयॉर्क, ठीक है। सो न्यूयॉर्क बना है दूसरा स्टेट जिसने कि ई सिगरेट को बैन कर दिया है, राइट। पहला था मिशिगन। नेक्स्ट। वो कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीत लिया है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो कि बोस्टन में हुआ था? इनका नाम है नीना गुप्ता और मूवी का नाम है बधाई हो। शायद आपने ये मूवी देखी होगी, बधाई हो, ठीक है। सो बधाई हो में आयुष्मान खुराना की जो मम्मी का रोल जिन्होंने प्ले किया है वही है आपकी नीना गुप्ता, ठीक है। उन्हें मिला है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विच वॉज हेल्ड एट बोस्टन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किन्हें 11th इंटरनेशनल रैंट डिंक अवार्ड मिला है, ठीक है। किन्हें 11th इंटरनेशनल रैंट डिंक अवार्ड मिला है, ठीक है। इनका नाम है एग्नेस खारसिंग एंड नेबाहत एकॉक, ठीक है। एग्नेस खारसिंग एंड नेबाहत एकॉक को रैंट डिंक अवार्ड मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम बताइए जो कि एक उत्तराखंड फार्मर के लाइफ के ऊपर है और जिसे इस साल का ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, सो वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम बताइए जो कि उत्तराखंड फार्मर के एक लाइफ के ऊपर है, उत्तराखंड फार्मर का एक लाइफ के ऊपर है एंड जिसे अभी हाल ही में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसका आंसर है मोती बाघ। ठीक है, नाउ इस पिक्चर के डायरेक्टर का नाम है निर्मल चंदेर और उत्तराखंड के सीएम का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, आपको दोनों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उस फॉर्मर क्रिकेट इंडियन क्रिकेटर का नाम बताइए जो कि एक ऑलराउंडर थे जिन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। उनका नाम है दिनेश मोंगिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उस हैकाथन का नाम बताइए जिसको कि दिव्यांग जन के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। ये ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एंड डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज ने। ठीक है, उस हैकाथन का नाम बताइए जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है दिव्यांग जन के लिए। ठीक है, उसका नाम है संसाधन। ठीक है दोस्तों, सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। सो मिलते हैं कल फिर से। टाटा बाय बाय, टेक केयर।